सदा गूंजे यहाँ झंकार, निर्विकार ये परम राम है प्रकाश पारावार, फरिश्तों का देख लो। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु हैं आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु हैं आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। निराकार ये दिव्य लोक है सुखों का आगार, चिरस्थाई है यहाँ सद्भावना और प्यार, सद्भावना और प्यार। ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम प्रपोजिशन के बारे में सीखना शुरू करेंगे। प्रपोजिशन का वाक्य रचना में बड़ा महत्व का काम है, जो मैंने आपको कल दिखाया था कि नाउन और वर्ब ये वाक्य की ईंट है, वाक्य की ब्रिक्स है, तो उनको जोड़ने का काम प्रपोजिशन करता है। इसके बारे में और उसके बाद विविध प्रकार के प्रपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रपोजिशन हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है इसकी जानकारी दे दूं। मैंने कभी आपको बताया था कि पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जैसे आज 17 तारीख है, मैं किसी को 27 सितंबर का चेक देता हूं, चेक पे 27 सितंबर लिख के देता हूं, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद हॉस्पिटल में जब उसकी जांच होती है उसके बॉडी की, तो उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले। आप कई बार गवर्नमेंट में जाएंगे तो वहां आपका फॉर्म पहले चेक किया जाता है, ताकि बाद में उनको बार बार आपको फोन नहीं करना पड़े कि ये पेपर बाकी है, ये पेपर बाकी है, तो उसको प्री वेरिफिकेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन यानी चेक करना, जांच करना कागज की, और वो प्री आगे से हो जाता है एडवांस में। अब महत्व का फर्क क्या है, मैं आपको सीरियल नंबर 3 देखिए। आई कीप my बुक्स ऑन द टेबल, तो टेबल नाउन है और बुक्स नाउन है, और उन दोनों को जोड़ने का काम प्रपोजिशन ऑन करता है। आई कीप my बुक्स से अपना काम हो जाता है। जहां तक व्याकरण का संबंध है, आई सब्जेक्ट है, कीप वर्ब है और my बुक्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन कल मैंने बताया था आपको कि हम धीरे धीरे व्याकरण से निकल के भाषा की तरफ जाएंगे। तो प्रश्न ये होता है कि ठीक है, आप बुक रखते हो, लेकिन कहाँ रखते हो? तो टेबल पे रखते हैं, ऑन द टेबल। तो ऑन प्रपोजिशन है जो बुक्स और टेबल को जोड़ता है। लेकिन आप यहां देखेंगे कि ऑन शब्द, ऑन प्रपोजिशन टेबल के पहले आता है। इसका जो स्थान है, इसकी जो पोजिशन है, वो प्री है, इसलिए इसे प्री पोजिशन बोलते हैं। हम भले उच्चार प्रपोजिशन करते हैं, लेकिन ये शब्द इस तरह बना है, प्री पोजिशन। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में ये पोस्ट पोजिशन है। अब सीरियल नंबर 4 में देखिए, मैं रखता हूं मेरी किताबें, हम पर टेबल नहीं बोलते हैं, टेबल पर बोलते हैं। तो टेबल के बाद यह शब्द आता है। तो साहित्य की दृष्टि से हिंदी में जो प्रपोजिशन है वो प्री पोजिशन नहीं है, पोस्ट पोजिशन है, जो सीरियल नंबर 5 के छोटे से एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं चश्मे कहाँ रखता हूं, इन द पॉकेट, में पॉकेट, जेब में नहीं, में जेब।
और हिंदी में कहते हैं जेब में, मैं बाद में आता है पोस्ट पोजिशन है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको दिखाया है ताकि आपको पता चले कि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक पे महत्व का क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। सीरियल नंबर वन, प्रपोजिशन दो शब्द को जोड़ता है। चश्मा टेबल पर है, ये पर निकाल दो सब गड़बड़ी हो जाएगी। चश्मा टेबल है, चश्मा टेबल नहीं है, चश्मा टेबल पर है। तो पर के आने से वाक्य में जान आ जाती है। तो प्रपोजिशन का इस तरह से बहुत ही महत्व का स्थान होता है वाक्य की रचना में। सीरियल नंबर टू, हम जब नाउन और वर्ब सीख रहे थे तो मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कहा था कि क्रियापद को व्हाट प्रश्न पूछने से, क्या प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलता है वो कर्म होता है। सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट है, आई ईट अ बनाना, इसमें ईट क्रियापद है। अगर हम पूछे कि आई ईट, मैं खाता हूं, क्या खाते हो, व्हाट ईट, व्हाट क्या खाते हो, तो जवाब मिलता है बनाना। इसलिए बनाना ऑब्जेक्ट है। ऐसा ही ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन में होता है जो मैं आपको सीरियल नंबर तीन में दिखा रहा हूं। आप प्रपोजिशन को भी व्हाट प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा और वो जवाब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो क्रियापद का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। आई कीप माई बुक्स ऑन द टेबल, सीरियल नंबर थ्री में, आई कीप माई बुक्स ऑन द टेबल। अभी आप ऑन को पूछो, ऑन व्हाट, ऑन क्या, किसके ऊपर, तो जवाब मिलता है टेबल। तो टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑन है, जो ऑन नाम का प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे इसी वाक्य में थोड़ा आगे की तरफ माय बुक्स है, तो माय बुक्स क्रियापद कीप है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो माय बुक्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, द टेबल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ये आपको जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या है। और इंग्लिश में एक नियम है कि जब एक से ज्यादा शब्द, दो तीन चार साथ में आते हैं और ना तो उसमें कर्ता सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है, तो शब्द के ऐसे समूह को फ्रेज बोलते हैं। तो ये ऑन द टेबल फ्रेज है, ये किसका फ्रेज है, प्रपोजिशन से आया हुआ फ्रेज है, इसलिए इसको इंग्लिश में प्रपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। सीरियल नंबर फोर, प्रपोजिशन अकेले कुछ भी नहीं दर्शाता। आप इन, ऑन, नियर ये शब्द लिख के छोड़ दो तो अपने आप में वो कुछ भी नहीं दिखा सकता। जैसे कल वाले एग्जाम्पल में आप दीवार में से ईंट हटा दो तो अकेला मोर्टार कुछ नहीं कर सकता। तो प्रपोजिशन अकेले कुछ भी नहीं दर्शाता। प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन दोनों मिलके प्रपोजिशनल फ्रेज बनते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं और तभी इसका मीनिंग निकलता है। जैसे आई कीप माई बुक्स, तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है तीन नंबर में ऑन द टेबल, वो पूरा का पूरा फ्रेज बुक्स के साथ रिलेटेड है कि बुक्स कहां है, तो कि ऑन द टेबल है। सीरियल नंबर फाइव, प्रपोजिशन भी कई प्रकार के होते हैं। ये ग्रामर का पक्का विषय नहीं है और मैं नहीं मानता ग्रामर की किसी भी किताब में कोई ऐसा कह सके दावे के साथ कि इतनी ही कैटेगरी होती है। तो अलग अलग भाषा शास्त्रियों ने अलग अलग कैटेगरी खड़ी की है, कोई कहता है सात है, कोई कहता है आठ है, दस तक भी पहुंच गए। तो मैंने आपको पूरी दस यहाँ दिखा दी, आपको कोई किताब में ग्यारह कैटेगरी भी मिल जाएगी। और कुछ कैटेगरी ग्रे एरिया में होती है, मतलब ना सफेद है ना काली है, दोनों साइड पे आ सकती है। इसलिए मैंने दो कैटेगरी के नाम लाल अक्षर में लिखे हैं, प्लेस और डायरेक्शन,
हम किस दिशा में जाते हैं। तो जैसे मैं हिंदी में बोलूं मैं लाइब्रेरी जाता हूं, तो यहां पे जाने की क्रिया हो रही है कोई दिशा में, लेकिन लाइब्रेरी स्थल है। तो जब इस प्रकार के वाक्य बनते हैं जिसमें प्रपोजिशन है, तो हम इस प्रपोजिशन को महत्व किस बात का देंगे, क्रियापद का जो डायरेक्शन दिखाते हैं, या जगह का जहां वो जा रहा है। लेकिन ये एक सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन है, मतलब इसकी कोई उसका कोई महत्व नहीं है अपने स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में। चाहे आप उसको प्लेस बोलो या डायरेक्शन बोलो या मूवमेंट बोलो, अपना वाक्य सच्चा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो मैं सारे प्रपोजिशन की कैटेगरी पढ़ता हूँ। सीरियल नंबर 5 में है, नंबर 1 टाइम समय दिखाता है, नंबर 2 प्लेस स्थल दिखाता है, जगह दिखाता है, नंबर 3 डायरेक्शन और मूवमेंट गति दिखाता है, किस तरफ जा रहा है या किस तरफ से आ रहा है। एजेंसी, इस प्रपोजिशन के साथ कोई एजेंसी, कोई व्यक्ति, कोई संस्था जुड़ी है या नहीं। इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, मतलब साधन, ये प्रपोजिशन के साथ कोई साधन जुड़ा है कि नहीं। 6 मैनर, तरीका, किस तरीके से ये होता है। 7 रीजन और पर्पस, क्यों होता है। 8 पोजीशन, किसके पास इसकी मालिकी या कब्जा है, पोजीशन है। 9 मेजर, मतलब परिमाण, क्वांटिटी क्या है। और 10 ओरिजिन, इसका उद्भव स्थान क्या है। तो ये इस प्रकार के प्रपोजिशन है। ये लंबा टॉपिक है, आज कुछ नहीं होगा, आज मैं सिर्फ आपको टाइम के बारे में कहूँगा। और सच बताऊँ तो मेरी फाइल भी रेडी नहीं है, क्योंकि इसको बड़ी मेहनत के साथ मुझे टेबल में डालना पड़ता है। तो टाइम के सारे प्रपोजिशन रेडी है और ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने टाइम से जुड़े हुए प्रपोजिशन का लिस्ट बनाया है, लेकिन हो सकता है और दो चार प्रपोजिशन भी हो जो टाइम से जुड़े हुए हो। हमारा अब का हेतु एडवांस इंग्लिश सीखने का नहीं है, हमें प्राथमिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश सीखना है। तो मैंने सरल और सीधे साधे प्रपोजिशन लिए हैं, ताकि इसका बोझ आप पे ना आ जाए। सबसे पहली कॉलम में मैंने प्रपोजिशन लिखा है, दूसरी कॉलम में लिंक लिखा है। ये प्रपोजिशन किसके साथ जुड़ा है, ग्रामर की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से नहीं। और तीसरे में मैंने एग्जाम्पल दिए है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रपोजिशन किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। मैं हर एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझाता हूँ, अगर टाइम पूरा हो गया तो कल फिर वहीं से शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए, पहला प्रपोजिशन है एट, और लिंक में मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हम जब एट लिखते हैं तो हम समय की अवधि की बात नहीं करते हैं। जैसे ऑफिस में लंच होता है दोपहर को, तो हम बोलते हैं 1 से 2 बजे तक लंच है। ये अवधि है, 1 घंटे की अवधि है यहां से लेके वहां तक। लेकिन एट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, किस समय के किस बिंदु की आप बात करते हो। जब मैं एट लिखता हूं तो मेरे मन में कोई विचार ऐसा नहीं आता कि ये कब होगा। जैसे मैं अवधि की बात करूं कि 1 घंटे का लंच आवर है, और कोई कहता है मैं लंच में ये काम करूंगा, तो वो 1 बजे करेंगे, 1:15 को करेंगे, या 1:45 को करेंगे, यह हमें नहीं मालूम। लेकिन एट में ऐसा नहीं होता है। एट में आपको एग्जैक्ट टाइम मालूम होता है, या वो घटना मालूम होती है जो एग्जैक्ट टाइम, सही टाइम दिखाता है। और मैंने लाल अक्षर में भी कुछ लिखा है जो इंग्लिश की स्पेशल रचना है, इसका इस लॉजिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी तरह लिखा जाता है और आपको भी याद करके इसी तरह लिखना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल है एट 4 PM, शाम को 4 बजे।
आप 24 घंटे में से कोई भी समय बिंदु लिख सकते हैं, एट 9 o'clock, एट 9 AM इन द मॉर्निंग लिख सकते हो, 4 o'clock लिख सकते हो, 5 o'clock लिख सकते हो, लेकिन आपको एक समय का पॉइंट बिंदु लिखना पड़ेगा, आप अवधि नहीं लिख सकते। और अगर ऐसा लिखा है तो आपको एट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। नून, नून सिर्फ चंद सेकंड के लिए रहता है, नून यानी मध्यान्ह, बिल्कुल 12 बजे का समय, 12 बजे के पहले जो समय है उसको हम मॉर्निंग कहते हैं, और बाद में जो आता है इसको हम इंग्लिश में आफ्टर कहते हैं। तो नून के बाद जो समय आता है उसको हम आफ्टरनून कहते हैं, और फिर 3:30-4 बजे के बाद जब सूरज ढलने लगता है तो उस समय को हम इवनिंग कहते हैं। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये कोई समय का बिंदु नहीं है, ये अवधि है, ड्यूरेशन है, और इसलिए वहां पे एट शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। ये नून एक ही समय ऐसा है जो एग्जैक्ट 12 बजे का टाइम दिखाता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैं आपको एट नून मिलूंगा, आई विल मीट यू एट नून। क्रिसमस, क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को आती है, हमारे दिवाली जैसा नहीं है कि दिन आगे पीछे होते रहते हैं, तो वहां पे आप आसानी से बोल सकते हैं आई विल मीट यू एट क्रिसमस, या आई विल होल्ड दिस पार्टी एट क्रिसमस। जो अपवाद है जो लाल अक्षर में लिखे हैं कि अगर आप एक जनरल स्टेटमेंट, सामान्य बात कहना चाहते हैं कि मैं रात को आराम से सो जाता हूं, अच्छी तरह सोता हूं, मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा है कि जो अच्छा है उसको हम इंग्लिश में गुड कहते हैं, अच्छा लड़का, गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, जो लड़का नाउन है, लड़के के बारे में जो बताता है अधिक, वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, गुड बॉय। लेकिन इसी गुड को आप जब वाक्य में एडवर्ब के स्थान पे लाते हो तो उसको बदलना पड़ता है, वो गुड से वेल हो जाता है। तो आई स्लीप वेल, वेल का संबंध स्लीप से है, आई से नहीं है, आई स्लीप वेल, कैसे सोते हो, अच्छी तरह सोता हूँ, आई स्लीप वेल एट नाइट, मैं रात को आराम से अच्छी तरह सो जाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती मुझे। यूरोप में, अमेरिका में, परदेश में वीकेंड यानी सैटरडे और संडे का बड़ा महत्व होता है, तो जब कोई वीकेंड पे मिलने वाला है तो एट वीकेंड बोला जाता है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी, तो उसके लिए एट प्रेजेंट बोला जाता है। तो इस प्रकार के ये अपवाद है। तो पहली लाइन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर समय का एग्जैक्ट बिंदु आप बात कर रहे हैं तो एट आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम अवधि की बात करते हैं दूसरे नंबर पे, इन, और इसमें मैंने सीरियल नंबर 5 आपको दिए हैं लिंक के अंदर। सीरियल नंबर 1 है आवर यानी घंटा, ओब्लिक मंथ महीना, अब महीना अवधि है, घंटा अवधि है, तो हम यहाँ पे एट नहीं इन कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम जनवरी में वो कब काम करेगा या ये घंटे में कब काम करेगा, 10 मिनट के बाद या 50 मिनट के बाद, इसलिए वहां इन आएगा। ये बिल्कुल लॉजिकल है, तर्क के साथ है ये। तो समझो मैं किसको बोलूं ये काम मैं जनवरी में कर दूंगा, तो एट जनवरी नहीं आएगा, इन जनवरी आएगा। इन एन आवर, कोई पूछेगा ये कहां तक आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, मैं बोलता हूं एक घंटे में हो जाएगा। इन एन आवर, आवर में एच बोला नहीं जाता तो ए का एन हो जाएगा। लेकिन इन अ मंथ, कोई बड़ा काम है, कोई पूछेंगे मुझे कि कब हो जाएगा, मैं बोला एक महीने में हो जाएगा, इन अ मंथ। कोई बहुत ही छोटा काम है, इन 2 मिनट्स। और अवधि में इन द मॉर्निंग भी मैं बोल सकता हूं। और जब मैं ऐसा एग्जाम्पल देता हूं आपको इन द मॉर्निंग, तो आपको समझना चाहिए कि इसमें सारी अवधि वाले पीरियड आएंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और जो पहला एग्जाम्पल है इन जनवरी, इन के अंदर जो पहला एग्जाम्पल है इन जनवरी, तो आप कोई भी महीना लिख सकते हो, इन फेब्रुआरी, इन मार्च, इन अप्रैल, लेकिन सब नाम मैं इधर नहीं लिख सकता, नहीं तो जगह कम पड़ेगी मुझे। अब देखो इन द मॉर्निंग के बाद मैंने आपको एक लाल अक्षर में वाक्य लिखा है, वी हर्ड नॉइजेस इन द नाइट,
हर्ड यानी सुना था, हियर का पास्ट टेंस है, नॉइज यानी आवाज है। अब यहां पे मैं नाइट का उपयोग एक भौतिक समय की अवधि से करता हूं, तो इसमें इन आएगा, क्योंकि मैं यह पीरियड की बात करता हूं कि भाई रात हुई और दूसरे दिन सुबह हुआ, इस बीच हमने कई आवाज सुने रात को। आई हर्ड नॉइजेज इन द नाइट, मैंने रात में कई आवाज सुने। तो यहां पे जब इस तरह से आप दिखाना चाहते हो कि ये पीरियड और ये पीरियड के बीच में हुआ, आवाज हुई, तो हम उसको इन द नाइट बोलेंगे। लेकिन आप सीरियल नंबर 1 में ऊपर देखेंगे, आई स्लीप वेल एट नाइट, मैं रात को, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं रात में अच्छा सो जाता हूं, मैं रात को अच्छा सोता हूं। आप साल का नंबर बोलना चाहते हैं तो भी इन बोलते हैं, इन 2019, इन 2020। कोई बड़ा ब्रिज बन रहा है, आप इंजीनियर को पूछो ये ब्रिज कब पूरा होगा, तो बोलेगा इन 2023, 2023 में पूरा हो जाएगा। फिर 10 साल की अवधि को डेकेड बोलते हैं, कई लोग यहाँ पे डिकेड करके प्रोनंसिएशन करते हैं, इसका सही प्रोनंसिएशन मैंने बाजू में दिया है, डेकेड। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट यहाँ सब कब हुआ, तो बोला इन 1980s में ये सब यहाँ पे विकास हुआ। आप सेंचुरी के लिए भी इन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इन 21st सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, इन 16th सेंचुरी, और सीजन के लिए भी आप इनका शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इन समर, इन विंटर, इन मानसून। और इसी तरह जैसे एट के अंदर एट प्रेजेंट था, तो यहां पे अगर आप भूतकाल की बात करते हैं या भविष्यकाल की बात करते हैं, समय की, मैं वर्ब की बात नहीं करता, समय की, तो इन आता है, इन द पास्ट मैं ऐसा करता था, इन द फ्यूचर मैं ऐसा करूंगा, तो उस वक्त इन द पास्ट आएगा, इन द फ्यूचर आएगा। तीसरे नंबर पे है ऑन, ये थोड़ा अजीब सा प्रपोजिशन है, क्योंकि हिंदी में शायद इस तरह से हम नहीं बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम किसी दिन की बात करते हैं, देखो वन सीरियल नंबर 1 के बाद में मैंने डे लिखा है, तो आप किसी भी दिन की बात करते हो तो आपको ऑन लिखना पड़ेगा, ऑन मंडे। कोई मुझे पूछे आप मुझे कब मिलोगे, मैं बोलता हूं ऑन मंडे। या मैं कोई ऐसी घटना बताऊंगा कि जिसके दिन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे ऑन इस बर्थडे, तो वो बर्थडे की तारीख निश्चित होती है, तो मैं ये भी कह सकता हूं ऑन इस बर्थडे। इसी तरह मैं कोई तारीख बोलता हूं जो सीरियल नंबर 2 पे लिखा है मैंने डेट, तो तारीख के लिए भी ऑन बोला जाता है, ऑन 15 दिसंबर मैं आपको मिलूंगा, ऑन क्रिसमस डे आपको मिलूंगा, ऑन अ हॉलीडे आपको मिलूंगा, मेरी नौकरी चालू है, सुबह जल्दी जाता हूं, रात को लेट आता हूं, मैं नहीं मिल सकता, लेकिन जब छुट्टी आएगी ऑन अ हॉलीडे आई विल मीट यू। चौथे नंबर पे बिफोर और आफ्टर, ये बहुत सरल प्रपोजिशन है, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो हम देखो मैंने 5-6 नाम लिखे हैं, लिंक में कोई जरूरत नहीं, इसमें टाइम, समय, डे, दिन, मंथ, महीना, ईयर, साल, सीजन, यानी जो भी हमारी ऋतु है, फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल है, होली का फेस्टिवल है, और इवेंट, कोई घटना है, तो मैं बोल सकता हूं मैं इसके पहले आपको मिलूंगा या इसके बाद मिलूंगा, या इसके पहले ये काम हो जाएगा, इसके बाद में ये काम हो जाएगा। जैसे हम मंथ की बात करें, अभी हम सितंबर में है, एक लंबा काम चल रहा है, कोई मुझे पूछे कब ये काम पूरा हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा बिफोर दिसंबर, 30 नवंबर तक हो जाएगा, बिफोर दिसंबर, या बोलूंगा आफ्टर दिसंबर। तो यहाँ पे आप टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन, फेस्टिवल, इवेंट कुछ भी लिख सकते हैं। मेरी वाइफ बोले बाहर जाके इतना चीज खरीद लाने का है आपको, तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये क्रिकेट की मैच पूरी हो जाने तो बाद में मैं जाऊंगा, हाँ आफ्टर द क्रिकेट मैच, जो लास्ट आइटम है इवेंट, वो इवेंट है।
कि मुझे पहले मैच देख लेने दो, फिर मैं ये जाके लेके आऊंगा मैं आफ्टर द मैच। कई बार अराउंड, कई बार हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट किस समय हम मिल पाएंगे। बड़े बड़े सिटी में ट्रैफिक की समस्या होती है तो हम किसको बोलते हैं, भाई मैं 4 के आसपास तुझे मिलूंगा, तो वहां अराउंड शब्द का उपयोग करते हैं, अराउंड 4 PM। जब अवधि की बात आती है तो हम बिटवीन भी बोल सकते हैं, मैं किसको कह सकता हूं मैं 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आपके पास आ जाऊंगा, बिटवीन। बाय, बाय का मतलब होता है कहां तक, और इसके साथ साथ आप विदिन, इसके अंदर, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप वो सभी टाइम लिख शब्द बोल सकते हैं, टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन, फेस्टिवल, इवेंट। एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझो दूसरा एग्जांपल है डे। अब मैं संडे बोलना चाहता हूं कि संडे तक हो जाएगा आपका काम, तो मैं कहता हूं बाय संडे। वो पूछते कब हो जाएगा, मैं कहता हूं बाय संडे। लेकिन मैं अगर ये कहूं ऑन संडे तो इसका मतलब होता है कि काम रविवार को ही पूरा होगा, लेकिन मैं कहूं संडे तक, बाय संडे हो जाएगा, तो हो सकता है ये सैटरडे भी काम पूरा हो जाए। तो इस तरह का इसमें फर्क होता है ऑन संडे और बाय संडे का। इसी तरह कई जगह पे मैं विदिन शब्द भी यूज कर सकता हूं, कोई काम मुझे दिया गया अंदाज से 30 दिन का काम है, तो मैं बोलता हूं ठीक है विदिन 1 मंथ में पूरा कर दूंगा, 1 महीने के अंदर पूरा कर दूंगा मैं, विदिन। टिल अप टू, टिल का मतलब होता है एग्जैक्ट वो टाइम तक काम चलेगा। देखो लिंक में लिखा है मैंने, वही समय समाप्त होगा। क्रिकेट की मैच कब खत्म होती है, शाम को 5 बजे, तो शाम को 5 बजे के पहले भी नहीं खत्म होगी, 4:55 को भी नहीं पूरी करेंगे, 5:05 तक भी नहीं चलेगी, तब हम टिल अथवा अप टू लिखते हैं। टिल टाइम, टिल डे, ये एग्जीबिशन कब तक चालू रहेगा, अप टू संडे, मतलब संडे शाम तक रहेगा, फिर मंडे से नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी घराकी हुई तो भी हम सैटरडे बंद नहीं करेंगे, संडे तक एग्जीबिशन खुला रहेगा, फरवरी तक ये चालू रहेगा, 2019 तक ये चालू रहेगा। अप टू का मतलब होता है जो समय दिखाया गया है वहां तक ये घटना, ये काम चालू रहेगा। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग में भी ये सारे शब्द आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एग्जैक्ट समय नहीं दे सकता हूं, लेकिन आज के दिन में आपका काम हो जाएगा। ड्यूरिंग, समझो बड़ा काम है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आज सितंबर है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहता हूं कि मैं अक्टूबर में आपका ये काम करके दे दूंगा, तो ये ड्यूरिंग हो गया। आई विल फिनिश योर वर्क ड्यूरिंग अक्टूबर। हो सकता है मैं 2 अक्टूबर को भी करूं, 2 से 10 अक्टूबर तक, या 8 से 18 अक्टूबर तक, जो भी करना है, लेकिन मैं काम शुरू करूंगा 1 अक्टूबर के बाद और काम पूरा करूंगा 31 अक्टूबर के पहले, तो इसको हम ड्यूरिंग बोलते हैं। फिर फॉर आता है, इसमें भी मैं क्वांटिटी दिखाता हूं। जैसे बहुत बारिश हो रही है कई दिनों से, तो मैं कहूंगा यहां बहुत दिनों से बारिश हो रही है, फॉर मैनी डेज। मुझे आपकी आपका स्कूटर चाहिए 2 घंटे के लिए, तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट योर स्कूटर, आई वॉन्ट योर बाइक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए चाहिए, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, जो भी मेरा वाक्य है इसमें अगर ये समय में दिखाना चाहता हूं तो मैं फॉर शब्द का प्रयोग करूंगा। और लास्ट आता है फ्रॉम और टू। फ्रॉम दिखाता है किस दिन से काम शुरू होगा और टू दिखाता है किस दिन ये काम पूरा हो जाएगा। कोई मुझे पूछता है कि कब शुरू होगा, कब पूरा होगा, तो मैं बताऊंगा ठीक है ये एग्जीबिशन 18 तारीख फ्रॉम 18th अक्टूबर शुरू होगा, टू कहां तक, 28th अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। तो यहां पे फ्रॉम और टू में
एग्जैक्ट टाइम या मंथ या ईयर दिखाया जाता है तब हम कहते हैं कि फ्रॉम एंड टू। जनरली फ्रॉम एंड टू आपको भाषा की दृष्टि से साथ में लिखना चाहिए तो सुनने वाले को पता चले कि ये एग्जीबिशन, ये पार्टी, ये प्रोग्राम, ये जो भी बात है वो कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। तो इस तरह से प्रपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल होते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, लिंक में देखिए कि कौन सा शब्द कौन सी चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर हम जब वाक्य रचना की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इन शब्दों को अंदर लेते जाएंगे तो आपका प्रपोजिशन का भी रिवीजन होता रहेगा। इसके बाद मैं परसों आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस दिखाऊंगा। ये थोड़ा भारी विषय है तो मैं एक साथ फटाफट सब काम नहीं करना चाहता, मेरे लिए वो स्लाइड बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बना दूंगा मैं तो शाम को बैठ के। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब मैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस बताता हूं तो यही प्रपोजिशन आएंगे, वो अलग प्रपोजिशन नहीं है, उसमें भी एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, सब कुछ आएगा। तो जैसे जैसे हम अंदर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट कई जगह पे आता है, समय में भी आता है, स्थल में भी आता है, तो अब क्या करेगा। तो यहां से आपकी कंफ्यूजन शुरू होगी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे जाऊंगा क्योंकि एक ही शब्द आएंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं मैं ये काम जनवरी में पूरा करूंगा, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन जनवरी, और मैं आपको ये भी बोल सकता हूं आई एम इन ब्रह्म कुमारी सेंटर, तो दोनों में इन आएगा। और इसका एक मास्टर चार्ट भी मैं बनाने का प्रयत्न करूंगा ताकि सारे प्रपोजिशन के सामने कहां कहां क्या आ सकता है। ये शायद मैं आपको पीपीटी में स्लाइड पे नहीं दिखा सकूंगा, तो मैं सेंटर में उसकी एक्सेल फाइल भेज दूंगा पूरा प्रोग्राम होने के बाद, तो आप उसका प्रोग्राम मतलब ये सब्जेक्ट पूरा होने के बाद तो आप आराम से इसकी A3 साइज बड़े पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो इसको। तो आज हम ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम समाप्त करते हैं। कल मैं आपको वाक्य रचना का रिविजन करवाऊंगा क्योंकि मैं जो टेलीग्राम पे पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है कि वहां कहीं कहीं गैप्स है और वो हमें पूरा करने हैं। मैं एक दूसरी रिक्वेस्ट करता हूं सभी को जो मेंबर्स यहां सुन रहे हैं कि जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है वो तो हिंदी वाक्य भी लिखते हैं, इंग्लिश वाक्य भी लिखते हैं, और उसमें अगर कोई गलती है तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है आपको ऐसा नहीं ऐसा लिखना है, ये एक कैटेगरी है। दूसरे कैटेगरी में ऐसे मेंबर्स है जो मुझे पूछते हैं ये हिंदी वाक्य है इसका भाषांतर क्या होगा, इसका भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैं करके दूंगा। यहाँ सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई करो, आप ट्राई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। लेकिन मेरे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय ये है कि हमारे ग्रुप में ऐसे कौन है जो बिल्कुल वाक्य बना ही नहीं सकते हैं, तो न तो वो मेरे साथ बात कर सकते हैं क्योंकि ये वन वे ऑडियो है, और ना ही वो टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं। तो टेलीग्राम पे मुझे बार बार एक ही प्रकार एक ही नाम देखने मिलते हैं, तो दूसरों का क्या, और ये मैं नहीं ढूंढ सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन मेंबर्स को वाक्य बनाने में तकलीफ हो रही है वो हिंदी में भी लिखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में लिखो, मैं फिर एक स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊंगा। और ये जो कल मैं वाक्य रचना का सेशन लेने वाला हूं वो एग्जैक्टली इन मेंबर्स के लिए है।